और रिपोर्ट यह है कि हमास ने सुरंगों में आरडीएफ को घुसने से रोकने के लिए 22,000 से ज्यादा सांप छोड़ दिए हैं और ये सांप सुरंगों में घुसने वाले आरडीएफ जवानों को काट रहे हैं। इसके साथ ही प्रशिक्षित कैनाइन ब्रिगेड यानी कुत्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कुत्ते 4,000 से ज्यादा संख्या में हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड बताए जा रहे हैं। ये खूंखार तरीके से टारगेट पर हमला करते हैं और इनके काटने से संक्रमण फैलता है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मलबे का जंगल बन चुके गाजा में हमास ने उसी तरह का छल प्रयोग किया है जैसा वियतनाम युद्ध में अमेरिकी सेना के खिलाफ किया गया था। ।1955 में शुरू हुई वियतनाम जंग में जब अमेरिकी सेना सीधे उतर गई तो वियतनाम के गोरिल्ला लड़ाकों ने विष प्रयोग किए। लड़ाकों ने सुरंगों में जहरीले सांप छोड़ दिए और इनके काटने से सैनिकों की मौत होने लगी। सिनवार की सेना भी गाजा में इसी तरह के प्रयोग कर रही है और ये प्रयोग फिलिस्तीनी लड़ाके बहुत पहले से इसराइल के खिलाफ करते रहे हैं। ये इजरायली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल की 29 मई 2015 की खबर है जो बता रही है कि फिलिस्तीनी तब भी जवानों के खिलाफ जहरीले सांपों का प्रयोग कर रहे थे। 2015 में सेंट्रल वेस्ट बैंक के रामल्ला में इसराइल के खिलाफ दंगे भड़के। दंगाइयों ने आईडीएफ जवानों के ऊपर टोकरे फेंके। इन टोकरों में फिलिस्तीनी वाइपर सांप भरे हुए थे। अब गाजा की जंग में इसी तरह सांपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिनवार की अल-कसाम ब्रिगेड युद्ध में कुत्तों और खच्चरों का इस्तेमाल भी मध्यकालीन तर्ज पर कर रही है। युद्ध में कुत्तों का इस्तेमाल सोवियत रूस भी कर चुका है। ।1924 में सोवियत रूस की रिवोल्यूशनरी मिलिट्री काउंसिल ने युद्ध में कुत्तों के इस्तेमाल की इजाजत दी। कुत्तों का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन फर्स्ट एड डिलीवरी के लिए मंजूर किया गया। 1930 में सोवियत सेना ने कुत्तों को टैंक नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। कुत्तों को विस्फोटक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी गई। ये कुत्ते दुश्मन टैंकों के पास विस्फोटक छोड़कर लौट आते थे। बाद में कुत्तों के शरीर पर विस्फोटक बांधकर टैंक नष्ट किए जाने लगे। इससे हर धमाके में एक कुत्ते की मौत हो जाती थी। युद्ध में जानवरों का इस्तेमाल किया जाना प्रतिबंधित है। खुफिया जानकारी के मुताबिक गाजा के युद्ध में हमास के कमांडर जानवरों का इस्तेमाल विनाश के लिए कर रहे हैं। युद्ध में जानवरों का इस्तेमाल केवल मानवीय सहायता के लिए किया जा सकता है, जैसे खोजी कुत्तों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सकता है। मलबे में दफन लोगों की खोज की जा सकती है। गधों खच्चरों का इस्तेमाल घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन गाजा की जंग में मध्यकाल की तरह सिनवार ने एनिमल फोर्स उतार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा में आरडीएफ ने एक साथ तबाह की है कई इमारतें। विस्फोटक लगाकर इमारतों को जमींदोज कर दिया है। आईडीएफ का दावा, इमारतों में थे हमास के कमांड सेंटर। आईडीएफ का दावा, इमारतों में थे रॉकेट लॉन्च सेंटर। तो आईडीएफ का दावा, जिन इमारतों को उसने तबाह किया, विस्फोटक लगाकर जिन इमारतों को उड़ा दिया उसने, उन इमारतों में हमास के कमांड सेंटर थे। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आईडीएफ ने कैसे कुछ बिल्डिंग्स को गाजा में विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया। और आईडीएफ यानी इजरायल की सेना का दावा है कि ये हमास के कमांड सेंटर थे। इन इलाकों से हमास अपने ऑफिसेस चला रहा था, अपने सेंटर्स चला रहा था और इसीलिए उसने उनको इस तरह उड़ा दिया।